सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल रोहन व्लॉग्स। सो आई एम एट दी आर टी कृष्णा हीरो टुडे, और मेरे पीछे आप पूरा देख रहे हो शोरूम, क्या बढ़िया बड़ा सा शोरूम है एकदम हीरो का। और ये शोरूम जो अपना ये इलेक्ट्रॉन सिटी बैंगलोर में है, जिसको भी हीरो की बाइक परचेज करनी आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन सिटी बैंगलोर। तो आज अपनी वीडियो होने वाली है इस बीच के ऊपर, ये है अपनी सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, E20 कंप्लायंट बाइक है। तो आज आपको इसका पूरा रिव्यू देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। ये देख लो ये है अपनी हीरो की एक्सटेक सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, एंड दिस इज द E20 कंप्लायंट OBD2 बाइक। सो ये आगे से इसका कुछ फ्रंट लुक आप देख पा रहे हो अभी, एंड साइड से ले जाऊँ, सो साइड से आप देख लो, साइड से कुछ आपको इस तरीके से लुक मिलने वाला है इस पूरी बाइक का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, और रेड कलर में तो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग लग रही है बाइक। और जो ग्राफिक्स हैं आप देख सकते हो ना, क्या बढ़िया ग्राफिक्स दे दिया है इसमें, बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं इसमें हीरो ने। सो आप ज़रूर कमेंट करना, और एक बार बाइक देखते देखते ना यार चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, कितनी अच्छी लग रही है बाइक। और ऐसे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सबसे पहले बात करें यहाँ फ्रंट की, तो फ्रंट से थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं आपके लिए। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितना सारा क्रोम का वो देख रहा काम करा हुआ है। तो क्रोम किस लिए भाई, थोड़ा प्रीमियमनेस बढ़ाने के लिए क्रोम ऐड कर देती है कंपनी, सो वही हीरो ने किया है। तो यहाँ पे आपको एक वाइजर मिल जाएगा, वाइजर पे हीरो का यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, न्यू लोगो, फुल क्रोम लोगो और 3D लोगो मिल जाएगा आपको। एंड यहाँ पे आपको एक पूरा क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी, क्रोम कैसे बोलते हैं ना, एक पूरा प्लेट टाइप मिल जाएगा इधर। एंड यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये आपकी पूरी हेडलाइट सेटअप मिल जाएगा विद द DRL। सो सेंटर में आपको यहाँ पे DRL मिल जाएगी, LED DRL, एंड यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप मिल जाएगा फ्रंट में। और यहाँ पे देखोगे सेंटर में तो LED का यहाँ पे बैजिंग भी दे रखी है, सो लाइट जो कि बहुत ही बेटर कर दी है। और 125cc में यार इतनी सारी, ये इतनी बढ़िया क्वालिटी की चीज़ देना तो भाई को हीरो से सीखे। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा वाइजर ये मिल जाएगा आपका, सो ये जो फ्रंट मास्क कहते हैं वो आपका कुछ रहने वाला है पूरा ग्लॉसी रेड फिनिश में। एंड यहाँ पे आपको ये थोड़े से स्टिकरिंग वर्क मिल जाएगा जो कि अपना ग्रे कलर में स्टिकर वर्क दिया हुआ है, और सेम विद दिस साइड। एंड बात करें इसके इंडिकेटर्स की, तो हेलोजन इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, बट उतने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इंडिकेटर्स की, तो यह देख लेना। बाकी इंडिकेटर आपके हेलोजन मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी इधर, अगर आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, तो यहाँ आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी। एंड फ्रंट मडगार्ड की बात कर लेते हैं अभी, तो मडगार्ड आपको डुअल शेड मिलने वाला है, रेड एंड ब्लैक। तो ब्लैक अपना मैट रहने वाला है, एंड ये अपना ग्लॉसी में रहने वाला है रेड पार्ट, सो ये आप देख सकते हैं। एंड बात करें यहाँ सस्पेंशन की, तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है आपको, अच्छा खासा इसका ट्रैवल साइज़ है, ये देख लो कितना लंबा सा ट्रैवल साइज़ दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा, और सस्पेंशन का ये कलर देखोगे तो ये बहुत सारी बाइक्स में मैट ब्लैक आता है, बट यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक दिया हुआ है हीरो ने थोड़ी प्रीमियमनेस ऐड करने के लिए। और फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है हीरो की बाइक की। एंड माई पर्सनल फेवरेट बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स आप देख रहे हो, तो बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स एक 125cc बाइक में एक हीरो दे रहा है, सो यार सोचो कितनी ही प्रीमियमनेस ऐड करी हुई है, और कितनी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं एक हीरो की सुपर स्प्लेंडर के अंदर। और यही एक खासियत है बाइक की बिकना, कि बाइक इतनी ज़्यादा बिकती है और 10-10 साल भी इस बाइक को कुछ नहीं होता, तो वो एक खासियत है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको 240mm की देख रहे हो डिस्क मिल जाएगी, हाँ तो ये 240mm की आपको यहाँ पर डिस्क मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा साइज़ दिया हुआ डिस्क का, तो ब्रेकिंग आपकी बहुत ही बढ़िया होने वाली है विद वाइब्रेट ब्रेक कैलिपर्स। एंड देखोगे तो टायर आपको मिल जाएगा, तो इसमें आई थिंक इसमें फ्रंट में 18 इंचेस का टायर आता है, एक बार मैं आपको टायर साइज़ कंफर्म कर देता हूँ। देखो अभी आपको दिख रहा होगा 80x100 एंड 18 इंचेस व्हील, सो इसमें 18 इंचेस का व्हील आता है, नॉर्मली 17 इंचेस के व्हील आते हैं अगर आप सेगमेंट में और बाइक देखोगे, बट इसमें 18 इंचेस के व्हील दे दिए हैं, तो व्हील साइज आपका बड़ा रहने वाला है। एंड आपको फुली एलॉय व्हील मिलेगा, आपको फुली एक मैट ग्रे फिनिश में मिलने वाला है अपना एलॉय व्हील, सो एलॉय व्हील में आपको यहाँ स्टिकर्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड 80 सेशन का टायर है, जो कि 125cc बाइक के लिए इनफ है इतना वाइड टायर, सो आप जनरली देखोगे तो इतना ही आपको वाइड टायर आपको और बाइक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ यहाँ टैंक की, तो ये टैंक देख लो अपना, टैंक कितना बड़ा सा टैंक दिया हुआ है, सो इसमें आप अच्छा खासा अपना फ्यूल आप इसमें डलवा सकते हैं। एंड बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का आपको 3D लोगो मिल जाएगा, जो कि क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छी इसका जो पेस्टिंग एंड ऑल काफ़ी अच्छा है, और बाइक्स की तरह नहीं है कि ईजिली निकल जाए। और ग्राफिक्स देखोगे तो यहाँ पे ही आपको पूरे ग्राफिक्स मिल जाएगा, यहाँ पे एस्टेक की बैजिंग, और ये पूरा ग्राफिक्स कैरी फॉरवर्ड होता है रियर तक। एंड यहाँ रियर में आपको हीरो का एक स्टिकर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे i3s की बैजिंग मिल जाएगी, और बाकी यहाँ से देखोगे तो ये पूरा इंटीग्रेट करा हुआ है इस तरीके से, अपना जो ये पैसेंजर के लिए अपना ग्रैब रेल है ये पूरा इंटीग्रेट करके यहाँ से निकाला हुआ है। तो जो डिज़ाइन है ना, ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है, एंड ज़्यादातर ये जो यंग जनरेशन है वो भी ले सकता है, और ओल्ड जनरेशन है तो वो उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस इसकी आ जाती है, अगर जिसको डेली ऑफिस
आना जाना करते हैं और अपनी वाइफ अपनी मदर को बैठा के आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है, और कंफर्टेबल हो भी क्यों ना यार, इसकी सीट देखो कितनी ही वाइड सीट यहाँ पे दे रखी है, अगर आप देखोगे कितनी ज़्यादा वाइड सीट है, देख रहे हो। तो कंफर्टेबल अच्छी खासी कंफर्टेबल है, अच्छी खासी सॉफ्टनेस है सीट के अंदर, कोई हार्डनेस नहीं है, आराम से आप सिटी राइड कर सकते हैं। एंड रियर में भी बात करूँ यहाँ पे आपको, तो ये आपका सस्पेंशन मिल जाएंगे, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एडजस्टेबल है, सॉफ्टनेस हार्डनेस अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं आप, तो कोई टेंशन नहीं आने वाली। और बाकी यहाँ पे आपको फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ एक ये आपको साड़ी गार्ड, लेडीज़ फुट रेस्ट ये देख लो यहाँ पे लगा हुआ है, जब बाइक लोगे तो वो भी फिट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और एक यहाँ पे फुट रेस्ट दिया हुआ है पिलियन के लिए, एंड राइडर के लिए ये रहा फुट रेस्ट, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वार्निंग ये सब आपको मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। एंड ये आपको छोटा सा स्विंगम इसके अंदर मिलेगा, स्विंगम थोड़ा सा मुझे पतला लगा, स्विंगम अगर और हैवी कर देते तो और बेटर हो जाता 125cc बाइक के अकॉर्डिंगली। बाकी फुल चेन कवर मिलने वाला है, और चेन कवर यहाँ पे आपको फाइबर का मिलेगा, मैटलिक चेन कवर नहीं मिलेगा क्योंकि मैटलिक में आई थिंक रस्टिंग के इश्यूज थोड़े मेरे को लगे हैं, मैंने और बाइक्स में देखे तो आ जाते हैं। बाकी अभी थोड़ा वेट रिड्यूस करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे ये दे दिया हो फाइबर में, और बाकी यहाँ पे आपका चेन एडजस्टर दिया हुआ है तो यहाँ से अपने आप चेन एडजस्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ से ये खोल के इसको आप यहाँ पे अपनी चेन को ल्यूब एंड ऑल वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो वो एक यहाँ पे हो गया। एंड बात करें रियर टायर की, तो रियर में भी आपको 18 इंचेस का टायर मिल जाएगा, और रियर में आपको 90 सेक्शन का टायर मिल जाएगा, 90x90 18 इंचेस टायर। सो रियर में आपको 10 मतलब आगे 80 है तो रियर में 90 कर दिया, बट अकॉर्डिंग टू दिस 100 सेक्शन टायर होता, अभी बहुत भी 100 सेक्शन टायर आता भी है, अगर आप ग्लैमर एंड ऑल देखोगे तो 100 सेक्शन टायर आता है, बट इसमें सुपर स्प्लेंडर में 90 सेक्शन टायर दिया हुआ है हीरो ने विद 18 इंचेस व्हील। एंड टायर भी देखोगे तो आप MRF का नायलॉन ग्रिप टायर दिया, जो कि बेस्ट है सिटी राइडिंग के लिए, तो सिटी के लिए बहुत बेस्ट टायर होता है MRF का नायलॉन ग्रिप, बहुत अच्छा खासा चल जाता है टायर, कोई इशू आता नहीं है टायर के अंदर। सो रियर में देखोगे तो ये आपको पूरा इसका टेल सेक्शन पूरा लुक मिल जाएगा, एंड जिस साइड आपको यहाँ पे ये H देख रहे हो, आपको अगर रियर टेल लाइट में दिख रहा होगा H, तो ये हीरो का जो एक न्यू फैशन आ गया है मतलब टेल लाइट्स में हेडलाइट्स में इंट्रोड्यूस करने का H शेप, तो वो H पूरा यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज होने को मिल जाएगा। एंड आपको रियर में हेलोजन टेल लैम्प मिलने वाली है विद हेलोजन इंडिकेटर्स, एंड ये आपको पूरा मड गार्ड मिलने वाला है विद यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट माउंट हो जाएगी एंड विद अ रिफ्लेक्टर इटसेल्फ। सो ये है कुछ रियर का। एंड रियर में भी आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स मिल जाएंगी, एंड सेफ्टी के लिए इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का यूज़ किया हुआ है। सो कॉम्बी ब्रेकिंग आपकी मतलब आप रियर ब्रेक प्रेस करेंगे तो आपकी फ्रंट ब्रेक भी प्रेस होगी, एंड फ्रंट प्रेस करेंगे तो रियर भी प्रेस होगी, तो वो है। एंड बाकी एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, ये रहा पूरा एग्जॉस्ट। सो एग्जॉस्ट में यहाँ पे आपको क्रोम प्लेट मिल जाएगी, जो कि थोड़ा इसके लुक को एनहेंस कर रही है। बाकी पूरा जो अपना एग्जॉस्ट है आप देख सकते हो, तो पूरा मैट ब्लैक फिनिश में आपका एग्जॉस्ट होने वाला है। बाकी बात करते हैं द हर्ट ऑफ द बाइक, द इंजन। सो ये 125cc का इंजन है हीरो का, बिल्कुल न्यूली इंजीनियर्ड इंजन आपको मिल जाएगा ये। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको किक अवेलेबल है। और बात करें इंजन की पावर की, तो इसमें 10.7 BHP की पावर विद 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क, सो अच्छा पावर है, अच्छा टॉर्क आपको मिल जाएगा फॉर द सिटी राइडिंग। एंड फ्यूल इंजेक्टेड आपको ये मिल जाएगा, ये देख लो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम फ्यूल मतलब प्रोग्राम FI, तो फ्यूल इंजेक्टेड आपको ये इंजन मिल जाएगा विद द E20 कंप्लायंट OBD2। सो बिल्कुल लेटेस्ट है आज के टाइम के हिसाब से। और बाकी आप देख सकते हो मतलब इंजन भी आपको डुअल फिनिश दे रहा है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दे रखा है लुक को एनहेंस करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको साड़ी गार्डन ऑल वो आपको मिल जाएगा, वो भी आप साड़ी गार्डन सब कुछ लगवा सकते हैं इसके अंदर फ्रॉम द शोरूम। बाकी और बात करें हाँ इसके मिरर्स की, तो ये देख लो यहाँ पे आपको ये मिरर्स मिल जाएंगे मैट ब्लैक फिनिश के अंदर कुछ इस तरीके से, एक बार यहाँ से भी देख लो तो कुछ इस तरीके से आपको ये मिरर्स मिल जाएंगे। और बाकी यहाँ पे आपका ये I3S का ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, I3S का आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप लाइट पर रेड लाइट पर रुकते हैं आपकी बाइक ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, देन सिंपल यू हैव टू प्रेस द क्लच और आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ सेल्फ स्टार्ट बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे हाई बीम लो बीम, यहाँ पे पासिंग इंडिकेटर हॉर्न, एंड ये आपको मिल जाएगी हीरो की कुछ इस तरीके से देखने को। और अब साथ में आपको इसमें एच टेक है, तो इसमें आपको बिल्कुल न्यूली ये वाला मीटर मिल रहा है। सो ये मीटर के अंदर आपको SMS कॉल अलर्ट आपकी फ़ोन की बैटरी तो वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए आपको ये मिल रहा है यहाँ पे USB चार्जिंग, सो ये देख सकते हो आप USB चार्जिंग आपको इधर अवेलेबल हो जाएगा। और की वगैरह है यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेट हैंडल बार मिलने वाला है, और हैंडल बार में देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ये क्रोम मिलने वाला है, तो बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठने वाले हो, आपकी पोजीशन जो होने वाली है बिल्कुल स्ट्रेट होने वाली है और आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। और आपको एक बार इसका यू और ओपन करके दिखा देता हूँ मैं फ्यूल लिड, तो यहाँ से अपना फ्यूल लिड कैसे करके ओपन कर सकते हो इजीली आप, तो ये पूरा का पूरा आपका बाहर आ जाएगा ऐसे करके। बाकी इसको ऐसे लगा दो आप, पूरा का पूरा आपका
अंदर चले जाएगा, ऐसे प्रेस करना है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सिंपल आपका ये हो गया डन। सो ये है कुछ रिव्यू सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के बारे में। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो जो मैंने आपको नहीं दी हो तो भाई कमेंट कर देना, किसी को भी पता है। बाकी अगर आप चला रहे हो ये बाइक तो भी कमेंट कर देना कि और लोगों को पता लग जाए कि बाइक के क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। और अगर आप बाय करना चाहते हो तो यू कैन कम एट द आर टी कृष्णा हीरो बैंगलोर, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में है शोरूम अवेलेबल है और सारी बाइक्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का आपको एक इसके बाद राइड रिव्यू मिलेगा, वो भी जाके ज़रूर देखना, मस्त राइड रिव्यू बनाने वाला हूँ आपके लिए। तो जल्दी चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, नहीं जाएंगे। तो भाई ये वाली अपनी कनेक्टेड है तो इसको थोको थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, बारिश में थोड़ी गंदी हो गई है बाइक तो आपको दिखाता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से इसका पूरा एनिमेशन आता है, एंड यहाँ पे माय हीरो की बैजिंग, यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे आपको फ्यूल मिल जाएगा, बाकी ये सारे जितने भी इंडिकेशन है वो यहाँ सारे मिल जाएंगे। और अगर आप फोन अपना कनेक्ट करोगे तो SMS, कॉल अलर्ट, बैटरी वगैरह वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला है। नीचे आपको ओडो मिल रहा है, बाकी यहाँ पे देखोगे ट्रिप पे, ट्रिप बी एंड ओडो, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे एवरेज पर किलोमीटर, तो ये आपको यहाँ पे माइलेज भी शो करेगा आपकी आपकी माइलेज कितनी दे रही है। बाकी इसका आपको एग्जॉस्ट ऑन ऑफ सुनाया था कि एग्जॉस्ट किस तरीके से है इसका, तो देखो इसका एग्जॉस्ट ऑन, तो गाइस देखा आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने इस बाइक के बारे में। तो बाइक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप सिटी, अगर आप डेली अपना ऑफिस रूटीन के लिए लेना चाहते हैं, या अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं, आपको एक गुड लुकिंग बाइक चाहिए विद गुड माइलेज, और हीरो का आपको पता है सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है, सो आप प्रेफर कर सकते हो एक 125cc की हीरो सुपर स्प्लेंडर। पावर के साथ साथ वेट भी बहुत कम है, 122 kg की मतलब बाइक है बस, और वेट पावर सब कुछ अच्छा, पावर टू वेट रेशियो बहुत बढ़िया है, 10.7 bhp की पावर निकाल रही है बाइक। सो मस्त आपको मिलने वाली है बाइक, अच्छी खासी माइलेज मिल जाएगी। माइलेज की बात करूँ तो 50+ की माइलेज आप इसमें अचीव कर सकते हो सिटी के अंदर, तो ये खासियत है हीरो की बाइक की।